सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा डे 6 ऑफ कन्याकुमारी राइड एंड टुडेस डे इज गोइंग टू बी स्पेशल बिकॉज हम जाने वाले हैं धनुषकोडी, जो कि है 351 किलोमीटर्स फ्रॉम मुन्नार। एंड आई होप कि गाइस आप सबको मेरे पहले वाले व्लॉग पसंद आए होंगे। एंड अभी मुन्नार छोड़ने का टाइम हो गया, मुन्नार से बाहर जा रहे हैं हम। फ्यूल अप भी कराना है। मैं रात को ना इधर बहुत ठंड थी, जबरदस्त ठंड। तो आज ना सुबह जल्दी 3 बजे उठकर कोलुकुमलाई जाने का प्लान था, लेकिन सुबह 3 बजे उठ के देखा तो बारिश हो रही थी बाहर, इसलिए सो गए फिर से। क्योंकि वो प्लेस ना बहुत ही बढ़िया है एंड इंडिया का पहला सनराइज देखने को मिलता है उधर, ऐसा लोग बोलते हैं। हाँ, एक्चुअली मैं पता नहीं। ओ देखो पहाड़ का नाम, वो उधर किधर तो गए थे ऊपर एकदम। मेरे को मुन्नार रोटी से तो बैटरी लगा है। जबरदस्त प्लेस है, वर्थ है इधर आना। यू गाइस प्लानिंग यू कैन श्योरली कम हियर। ये टी प्लांटेशन देखो, इसी के तो नज़ारे है, नहीं तो क्या देखने आओगे इधर। वाव, थोड़ा चाय जो पाना था इसलिए रहे। और या आप पूरे व्यू पे रहे कि आ तो खाड़िया उधर। वो वैली में क्लाउड्स देखो कैसे दिख रहे हैं भाई, जबरदस्त दिख रहे हैं, बढ़िया एक नंबर। और ये सिद्धेश भाई, कल ना बारिश हुई ना तो ये शूज़ पहन के गया था और इसके शूज़ भीग गए, मेरे भी भीगे, मैंने पीछे डाल दिए यार, इसने ऊपर बांध दिए। ओ भाई नज़ारे गाइस, नज़ारे। आगे भी एक्चुअली राव पाजी जाना है। तो गाइस इधर रुकने का तो मन था, लेकिन बारिश चालू हो गई, हल्की सी ड्रिजलिंग हो रही है, सो बेटर टू गो फ्रॉम हियर, क्योंकि भीगना नहीं है फिर से। एक बार भीग गए कल, सर्दी हो गई थी, अभी भी है। एंड अभी बहुत दिन बाकी है हमारी राइड को, तो ये अभी सीख पड़ गया तो भाई आगे कैसे होगा। ये वाटरफॉल देखिए, क्या नाम था वाटरफॉल का पता नहीं, पेरियंकानल, प्रियंका वाटरफॉल ऐसा कुछ था, कुछ तो नाम नहीं वाटरफॉल का, पीछे था देखा नहीं। क्या जबरदस्त दिख रहा है इधर ना। एक फिल्म की शायद शूटिंग भी चल रही है, कैमरास वगैरह लगे तो शूट कर रहे हैं शायद।
टर्ना। तो गाइस डन विद द ब्रेकफास्ट एंड अभी बज रहे हैं 10 एंड हमारा अराइवल टाइम दिखा रहा है 5 PM। सो लेट्स सी कितना कवर कर पाते हैं हम। अभी ये रोड तो बहुत ही बढ़िया है तो थोड़ा ये रोड पे खींचेंगे ही बस, क्योंकि ट्राई कर रहे हैं उधर ना सनसेट देखने को मिलेगा ऐसा देख रहे हैं, मिला तो बढ़िया रहेगा। एंड बस चल रहा है, मज़ा आ रहा है राइड पे। घंटा 322 322 कौन लाओ रिक्शा आएगा। भाई मुन्नार के रोड ना एक नंबर रोड्स है, नो वर्ड्स फॉर दिस रोड्स। एंड कभी कभी क्या रहता है ना, आप इतना सीनिक रूट देखते हो तो आपके पास वर्ड्स भी नहीं रहते हो टू डेमोन्स्ट्रेट दैट व्यू। एंड ये हम कॉर्नरिंग करते हुए कौन आयो कल ना बारिश हुई ना मुन्नार में, तो हमारा पूरा मूड ख़राब हो गया क्योंकि कुछ एक्सप्लोर करने को नहीं मिला बारिश की वजह से। रूम में आ गए तो रूम में ही बैठे थे बस, और कुछ कर ही नहीं पाए। एंड आज हम निकल गए धनुषकोटी के लिए क्योंकि हमारा ना क्या बोलते हैं उसको, प्लान था कि धनुषकोटी जाएंगे क्योंकि पहले स्टार्टिंग से ही प्लान किया था। वैसे एज पर प्लान अभी तक कुछ भी नहीं चल रहा है, सब ऊपर नीचे चल रहा है। देखो स्टार्टिंग में क्या था हमारा कि सीधा मैसूर आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में कुर्ग में रुके क्योंकि लेट बाहर निकले थे, इसलिए कुर्ग में रहना पड़ा हमको मडिकेरी में। एंड उसके बाद हमने मैसूर कैंसिल किया क्योंकि मैसूर उधर से ना बहुत ही नज़दीकी था, तो उधर जाके बाद में सामान की जगह रखेंगे पहले घूमने जाएंगे तो दोपहर को, इसलिए हम सीधा ऊटी में आ गए। तो ऐसा चल रहा है बस, एज पर प्लान कुछ नहीं चल रहा है। चैप्टर आ रहे। A few hours later. Alright guys, तो एक छोटा सा राइड अपडेट। किलोमीटर्स बचाए 236, 4 घंटे 4.5 घंटे बता रहा है। Let's see. And I don't know आवाज़ कैसा आ रहा है क्योंकि इधर विंड बहुत है, तो विंड नॉइज़ की वजह से आवाज़ कैसा आ रहा है पता नहीं। इधर ना तमिलनाडु में बहुत जगहों पे पुलिस है, तो पता नहीं इनका क्या इलेक्शन वगैरह चल रहा है तो कुछ पता नहीं, बहुत सारे पुलिस दिखे बीच बीच रास्तों में। सो फार फ्रॉम मुन्नार राइड इज गोइंग वेरी स्मूथ बिकॉज इधर के रोड ना जबरदस्त है, एकदम स्मूथ, इधर खड्डा नहीं कुछ नहीं है, नंबर वन रोड है। चले अदरे
गाइज टाइम कितना आला, टाइम कितना आला? तो गाइज अभी 4:30 बजे है एंड अभी खाना खाने के लिए रुके KFC में। सो तमिलनाडु में ना कोई फ्रीडम फाइटर का ही नहीं आया, तो सब क्लोज था, होटल्स ही नहीं मिला, रेस्टोरेंट ही नहीं मिला रास्ते में। ये KFC मिला है तो इधर रुके एंड मेरा GoPro भी हैंग हो गया था तो रिकॉर्ड भी कुछ किया नहीं। एंड ऑरेंज बारिश इतनी हुई ना, बारिश में तो भाई पूरा मज़ा किरकिरा करके रख दिया हमारा, तो बस भी क्या है बीच में रेनकोट डालने के लिए रुके थे, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, ऐसा सीन हो रहा था। तो गाइज अभी ना धनुषकोटी है 70 किलोमीटर्स इधर से एंड रामेश्वरम थोड़ा आगे रहेगा, मतलब 50 ऐसा कुछ रहेगा एंड हम रामेश्वरम में ही स्टे लेंगे, वन नाइट स्टे। अभी टाइम हो रहा है 5 ही बजे है एंड टोटल हमने बाइक चलाई है 292 किलोमीटर्स फ्रॉम मुन्ना, ठीक है। एंड बारिश ने तो भाई हमारा पूरा मूड ही खराब कर दिया बारिश। पेट्रोलियम आ रहे और ये रहा गाइस गुरु, पीछे ही रहता है, आगे आता ही नहीं, धीरे चलता है बिकॉज इसका लगेज ना बहुत है इसलिए, और वैसे भी हिमालयन ज़्यादा तेज़ी से भागते भी नहीं, वो बस लगेज कैरी करने के लिए बनी है। समय क्या जबरदस्त हाईवे मिला था ना भाई, एकदम स्मूथ 120 पे क्रूज करके आए हैं, स्मूथ एकदम। और सबसे आगे मैं और अमोली रह रहे थे, बाकी सब पीछे, सिद्धेश भी पीछे, सिद्धेश भी पीछे। और साथ में सुयश दामले भी था हमारे, क्योंकि उसके भी इंटरसेप्टर है ना, तो वो भी भगा रहा था। देखो रामेश्वरम 44 किलोमीटर से इधर से, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस अब ना फाइनली रामेश्वर में पहुंच गए, ये देखो रामेश्वरम थोड़ा ही आगे है बस, और ये ब्रिज आ गया एक एंड विच ए सनसेट हो गया, ज़बरदस्त हो रहा है, ओ भाई व्हाट अ फीलिंग। एकदम एंड में भी आने का कई बढ़िया फीलिंग है ना, इधर गार्डन भी राइट में, ब्रिज पे रुकने को मिलेगा क्या, तो ट्रेन की पटरी भी है साइड में देखो, हाँ ये वही वाला था फेमस ब्रिज है। दोनों साइड पानी ही पानी है बस, ये साइड तो एटलीस्ट मतलब रामेश्वरम है ना वो साइड तो वो छोटा सा आइलैंड के जैसा है। We have reached. We are waiting for you guys. Come fast. खोए रहा है अगर आए। कब उड़े रहा है यार? आंगन रहा है सर। तो ये रहा हमारा लाइनअप बाइक का। गाइस
देखो सनसेट हो रहा है, बढ़िया सा एक नंबर दिख रहा है भाई। तो गए अभी ना 13 किलोमीटर से बस, एंड हम पहुंच जाएंगे। अभी हमको होटल भी ढूंढना है, रूम भी ढूंढना है, तो अभी रूम भी ढूंढेंगे। तो वीडियो पसंद है ना इधर तक एटलीस्ट, तो लाइक करो, शेयर करो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, ठीक है। एंड कमेंट में बताओ मेरे को कि मेरे वीडियोस कैसे बन रहे हैं, ठीक है।